नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल दी फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने H1 एंड H2 टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट और एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और देर स्ट्रक्चर और उसके यूजेस के बारे में बात किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रोटीन पंप इनहिबिटर के बारे में डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड H1 एंड H2 टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर ड्रग स्ट्रक्चर एंड देयर सिंथेसिस। इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस दिस प्रोटीन पंप इनहिबिटर। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोटीन पंप इनहिबिटर वी विल सॉ दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट, दिस इज द स्टमक। इन दिस स्टमक देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ लेयर, दिस ब्लड ब्रेन, blood vessels, parietal cells and gastric lumen in this stomach. First is in parietal cell, CO2 carbon dioxide again mixing with an H2O in the presence of carbonic anhydrides, this formation of an carbonic acids. Jab in parietal cell mein carbon dioxide jab paani ke sath milega in the presence of carbonic anhydrides tab carbonic acid formation hoga, fir carbonic acid dissociated hoke प्रोटॉन फॉर्मेशन होगा और HCO3 फॉर्मेशन होगा। अब HCO3 ब्लड वेजल्स में इंटर करेगा और वहाँ पर प्रेजेंस फ्लोराइड जो है वो पेरिटल सेल में आएगा। पेरिटल सेल से फिर वो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में फॉर्मेशन चला जाएगा। अब इन बिटवीन द पेरिटल सेल एंड गैस्ट्रिक ल्यूमेन दिस प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पोटेशियम एंजाइम। वे एंजाइम के जरिए जो प्रोटॉन है वो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में एंटर करेगा और जो गैस्ट्रिक ल्यूमेन में प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वो पेरिटल सेल में आ जाएगा। अब यहाँ से जो क्लोरीन और प्रोटीन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन HCl एसिड्स फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटीन पंप इनहिबिटर एक क्या है, ये जो है प्रोडक्शन ऑफ HCl को रोकेगा ड्यू टू दिस एक्शन इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक्ट होकर। स्टमक एसिड नेचुरल एसिड रिकॉर्ड फॉर डाइजेशन। जो स्टमक एसिड्स है मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक नेचुरल एसिड्स है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प होता है। व्हेन इट्स प्रोड्यूस एक्सेस लीड्स टू गैस्ट्रिक एसिड एंड इन्फ्लेमेशन हार्ट बर्न। अब जो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो जब कुछ हद तक प्रोड्यूस होगा तो डाइजेशन होगा, मगर ये अगर एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ प्रोड्यूस होने लगेगा तब साइड इफेक्ट्स अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट बर्न जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ HCl ब्लॉकिंग एंजाइम एक्टिविटी। वे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो क्या है, एक प्रोटीन ऑफ HCl जो है उसको रोकेगा प्रोडक्शन होने में। वे ब्लॉकिंग दिस जो हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम है उसको ब्लॉक करेगा, जिससे इट्स प्रिवेंट द पंपिंग द प्रोटॉन इनटू द गैस्ट्रिक ल्यूमेन। अब जो है जो एंजाइम है जिसके जरिए प्रोटॉन जो है पंपिंग होता है ल्यूमेन में, गैस्ट्रिक ल्यूमेन में, अब उसको कम कर देगा। दिस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज बेसिकली वीक बेस कंपोज्ड ऑफ टू मॉइस्चर्स। वेक है, वीक बेस है और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉइस्चर्स। फर्स्ट वन इज पाइरिडिन जिसका pH इज एक्चुअली इट्स डिपेंड्स ऑन दिस pH। This pH is 4 and this benzimidazole is pH is 1. Therefore, these drugs belong to the proton pump inhibitor composed with pyridine and benzimidazole. Now, proton pump inhibitor, this two compounds ka combination hai, pyridine and benzimidazole. First drugs, now we will see that drugs. First drug is omeprazole. Omeprazole, this is a structure and this is the reduce the peptic ulcer. And gastroesophageal reflex is also called acid reflex, and ZES Zollinger is Ellison syndrome. The second drug is the tumor causes in stomach due to produce excessive acids. Agar excessive acids produce hoga stomach mein, the tumor is formation hoga. Second drug is pantoprazole. This is the structure. This uses all uses are same. This prevent the peptic ulcer, gastric
gastroesophageal reflex, and the Zollinger-Ellison syndrome, and third is lansoprazole. These are drugs, and this is uses is prevent the peptic ulcer, gastroesophageal reflexes, and Zollinger-Ellison syndrome. And this fourth last drug is robeprazole. Robeprazole, this is a structure, and this prevent the using for prevent the peptic ulcer, gastroesophageal reflex, also as acid reflex, and Zollinger-Ellison syndrome is prevent this here. Prevent this ZES, Zollinger-Ellison syndrome. Hope you guys understand this topic. Like this video, subscribe our channel for the latest update. Thanks for watching.